नवरात्र में जौ उगने के शुभ संकेत। गर नवरात्र के एक से दो दिनों बाद जौ उगने लगे और खूब हरा भरा हो तो यह शुभ माना जाता है। इसे सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। इसके साथ ही घर में हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जौ का अधिक बड़ा होना भी शुभ माना जाता है। जौ का अधिक बड़ा होना खुशहाली और सौभाग्य को दर्शाता है। अगर जौ सफेद और हरे रंग के होते हैं तो भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा से मां प्रसन्न हो जाती है। पीले रंग के जौ उगते हैं तो माना जाता है कि जल्द ही घर में खुशियां दस्तक देने वाली है। अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो ये साल की अच्छी शुरुआत की ओर संकेत करता है और अंत बुरा होने का संकेत देता है। जौ उगने के अशुभ संकेत। बोए हुए जौ को ठीक ढंग से पानी आदि देने के बाद भी नहीं उग रहे हैं तो यह अशुभ माना जाता है। काले रंग के जौ उगने भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर जौ सुखी और पीली रंग की है तो जीवन में कई संकट आ सकते हैं। इसलिए संकट से निजात पाने के लिए मां से आराधना करें।